नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं नेशन वन। दुनिया तेजी से विकास कर रही है और इस विकास की दौड़ में मनुष्य रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। लेकिन विकास की इस दौड़ में ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। लेकिन क्या कभी इस विकास की दौड़ में हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहे? क्या कभी हमने खुद से पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई पहल की है? बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव की। समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं, भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। मुद्दे बहुत उठे, धर्म जाति संप्रदाय से लेकर व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोपों तक। परंतु एक मुद्दा जो दम तोड़ता नजर आया वो था पर्यावरण एवं उसके संरक्षण का। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों भारत के चुनावों में पर्यावरण और प्रदूषण मुद्दा नहीं बन पाते हैं। कहने को हम विकास कर रहे हैं, हमारी पहुंच धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हो गई है और सुख सुविधाओं से भरपूर हम विकास की दौड़ कर रहे लोगों का विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को है। बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की जाएंगी। इतने से मन नहीं भरेगा तो सोशल मीडिया पर पर्यावरण मित्र का बड़ा सा टैग लगाकर फोटो भी पोस्ट की जाएंगी। बड़े बड़े माननीय भी अपने औहदे के अनुसार भीड़ के साथ एक पौधा और उसके ठीक बगल में अपने नाम की एक प्लेट अवश्य लगाएंगे और ट्विटर अकाउंटों से फोटो अपलोड कर विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूक होने की बातें भी की जाएंगी। पेड़ों को लगाने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली जाएंगी, जागरूकता रैली निकाली जाएंगी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पे बहुत सारे नारे भी लगेंगे। पर यह अलग बात है कि लोग नारों से जागरूक हो भी पाएंगे या नहीं। आइए अब नजर डाल लेते हैं पर्यावरण से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़ों पर जो पर्यावरण की काफी गंभीर होती स्थिति को दर्शाते हैं। ग्रीन पीस नामक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि भारत में वायु प्रदूषण से हर साल करीब 12 लाख लोगों की मौत होती है। ये रिपोर्ट भारत के 168 शहरों से हासिल किए गए आंकड़ों के ऊपर पर आधारित है। भारत का कोई भी शहर वायु प्रदूषण के मामले पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमानों पर खरा नहीं उतरता है। अगर WHO के द्वारा तय किए गए मानकों को आधार माना जाए तो रिपोर्ट में शामिल भारत का हर शहर टेस्ट में फेल रहा है। अब बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, जो हमारी जिंदगी में पूरी तरह जगह ले चुका है, परंतु वह पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो रहा है। वर्ष 2013 में पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया और पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि 1950 में 10,50,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। हर मिनट प्लास्टिक से बने 10,00,000 कैरी बैग तैयार होते हैं जो कि पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। एक मनुष्य औसतन एक वर्ष में 400 से 500 पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। डिकम्पोज होने से पहले प्लास्टिक भूमिगत जल, नदियों, समुद्री जीव जंतुओं और इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक के डंपिंग ग्राउंड में बारिश के दौरान जो पानी रिसकर जमीन में चले जाता है उसके कारण भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है। तकरीबन 80 लाख टन प्लास्टिक हर साल समुद्रों में पहुंच जाता है और समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा कर देता है, जिसके कारण कई समुद्री जीव जंतुओं की मौत भी हो जाती है। गर्मी के समय में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। बेमौसम बारिश हो रही है, शहरों में सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। पता नहीं हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में कहां चले जा रहे हैं। अभी भी संभलने का वक्त है, संभल सकते हैं। एक जनभागीदारी के तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, तभी इन समस्याओं से काफी हद तक निपटारा पाया जा सकता है। और सरकार ने इस वर्ष की थीम सेल्फी विद सैंपल रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। परंतु सरकार के द्वारा ही जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी रक्षा एवं संवर्धन के लिए जरूरी कदम उठाते हुए जवाबदेही भी उससे संबंधित विभाग और अफसरों की तय की जाए, क्योंकि एक दिन फोटो खिंचवाने के बाद भूल जाने से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ तैयार नहीं हो पाता बल्कि जनता के करोड़ों रुपए भी बर्बाद होते हैं। नेशन वन की इस खास पेशकश में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।